कैसल वॉल्ट और काफी फेमस है ये भी। Hey, good morning guys, welcome back. So, आज हम लोग निकल पड़े हैं साइट सीन के लिए। आज फिर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। सो अभी हम लोग जाएंगे लुजर्न की जो मेन शॉपिंग एरिया है, वहाँ पर कुछ सामान लिया था उसको एक्सचेंज करना है और वहाँ से हम लोग जाएंगे फिर इंटरलेकन। थोड़ी धूप छाओ, वेदर यहाँ पर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है बहुत जल्दी जल्दी। कल हम लोग यहीं आए थे, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी आ गए। अभी 10 बजे और वी आर वेरी क्विक। जगह जगह पूरा जितने भी आप यूरोप में जाएंगे सब सिटी में एक सिटी सेंटर होता है, वहाँ पर एक मेन चर्च होगा। कौन सा लेन है याद है तुम्हें? शायद ये वाला लेन में गया था। सुबह सुबह सब मार्केट सभी थोड़ा सा खाली है और ऐसे भी आज संडे है तो काफी शॉप्स बंद भी होते हैं संडे को। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया वंस अगेन और फिर हम लोग इंटरलेकन के लिए ट्रेन लेंगे। आज काफ़ी सारे शॉप्स बंद है। दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव वॉचेस में से एक रोलेक्स, तो यह पता नहीं क्या रहता, इतना महंगा है। कार्टियर, टैगवर, बहुत सारे। ये देखो चॉकलेट बॉल, जस्ट लुक एट द दिस वन, दोस वन हैव अल्कोहल इनसाइड, जस्ट व्हाइट वंस एंड दोस वन आर नॉट फॉर यू, दिस इज विद कॉफी। नो डोंट लुक दैट, दोस आर रियली गुड, दिस वन आर रियली गुड, यू लाइक इट? ओके, 11 o'clock हो गया है और सब चर्चेस के बेल बजने लग गए। अभी हमने कुछ कॉन्फेक्शनरी लिया है बैचमैन से, बहुत फेमस दुकान है। दौड़ दौड़ के अल्टीमेटली हमने ट्रेन पकड़ लिया ब्रियंस के लिए। एक मिनट रह गया था, जैसे तैसे करके हमने दौड़ के लिया। इतना बारिश हुआ कि पूरा पानी ऊपर तक आ गया है। काफी लोग कायाकिंग एंड बोटिंग कर रहे हैं। हम लोग अभी ब्रियंस जाएंगे, ब्रियंस से बोटिंग एंड क्रूज करके इंटरलेकन जाएंगे। और आज क्लाउड्स में ढका हुआ है पूरा। अर्चित कहाँ से आ गया? ये अब हम लोग ब्रियंस के आसपास आ गए हैं और ये वाटर कैनाल देखिए, ये है सीधे लेक से, ये ब्रियंस लेक से ये निकल रही है। हम जब हाडा कुंभ गए थे तब ऊपर से ये सब दिख रहा था कि लेक्स को ज्वाइन कर रहा है। और इन दोनों की मस्ती देखिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा।
ब्रियंस स्टॉपेज में आ गए। वहाँ से क्रूज के लिए टिकट लेना है, तो अभी हम लोग क्रॉस करेंगे। ये पूरा ब्रियंस वाला एरिया है। सर अर्चित बहुत ज्यादा पकामी कर रहा है यहाँ पर, और इसको पड़ेगी मार। देखते क्या टिकट मिलेगा। क्विक सो गीज़बैक वाज वाटरफॉल्स वाज ऑन आवर लिस्ट राइट। सो दीज गाइज आर यू नो रनिंग ऑल ओवर, सो इट्स ऑन टाइम। हम लोग ये क्रूज कैच कर लिया और यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। Willkommen an Bord der BLS Schifffahrt. Unsere Schiffsrestauration, Schiff Catering, Brienzersee, verwöhnt Sie gerne mit kulinarischen Köstlichkeiten. Gönnen Sie sich einen Platz in der ersten Klasse. Diese Mesdames et Messieurs, Goldfinbrötchen ist im Equipage mit zwei Klavieren und der BLS Navigation. Notre Restauration de Bord se fera un plaisir de vous servir des mets succulents. Accordez-vous une promenade en première classe. Celle-ci se trouve sur le pont supérieur. Vous pouvez acheter un changement de classe à la caisse du bateau. Nous vous souhaitons un agréable voyage et une journée inoubliable sur le lac de Brienz. Ladies and gentlemen, the captain and his crew wish you a warm welcome. अभी हम लोग एक वाटरफॉल्स आ रहे हैं। ये बहुत पॉपुलर गीज़बैक वाटरफॉल्स है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। बारिश के कारण हवा बहुत तेज चल रही है। आपको फनिकुलर राइड में कैसे लग रहा है? तो ये हम धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं। अब फनिकुलर से हम यहाँ पर पहुँच गए, गीज़बैक वाटरफॉल्स। और हम लोग अभी वॉक करते करते वो वहाँ जाने का प्लान करेंगे। जस्ट लुक एट द वाटरफॉल्स।
ये एरिया पूरा गीज़बैक वाटरफॉल्स का है। आप देखिए आवाज़ इतना ज़ोर से आ रहा है वाटरफॉल्स का, और यहाँ से आप ट्रैक करते हुए सीधे आप जा सकते हैं। पूरा एरिया बहुत ही सुंदर है। ये होटल है अर्चित, ये गीज़बैक होटल यही वाला है, यही वाला ना। सो 10 मिनट का ट्रैक करते करते आप वाटरफॉल्स में पहुंच जाएंगे। काफी बारिश हुई है। Wow. पूरा वॉटरफॉल पूरा ऊपर तक आप जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर है ये वाटरफॉल एरिया, बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आना चाहिए। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। इसलवाल से बेटर है इसका रिव्यू। इसलवाल एक्चुअली फेमस ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ द शूटिंग ऑफ यू मूवीज, द कोरियन मूवी क्रैश लैंडिंग के बाद तो बहुत ज़्यादा टूरिस्टी हो गया है। बट गीज़बैक जो वाटरफॉल्स है, इट इज़ रियली वेरी गुड। लेक ब्रियंस में आप आए तो यहाँ पर हॉल्ट करके पूरा वाटरफॉल एरिया आप घूम सकते हैं। ये हम लोग आ गए सेकेंड लेवल, और नहीं जाएंगे यहाँ से, बैक जाना है। हम लोग नीचे उतर जाएंगे। ओह वाह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़ोरदार, कुछ ज़्यादा ज़ोर सा नहीं है यहाँ पर। माय गॉड गुडी, और थोड़ा सा ऊपर जाना है। वाटरफॉल्स के जस्ट पीछे आ जाएंगे हम लोग। और यहाँ से फिर बैक कर लेंगे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है थोड़ा सा। नहीं नहीं, अच्छा है। अब और ट्रेल था पर और गए नहीं, क्योंकि बहुत ऊपर है, एकदम टॉप तक जा सकते हो आप। वो सामने जो है, सामने और ट्रेल है, और
तो हम लोग का ये गिजल वॉक, गिजल बैक वाटरफॉल्स बहुत अच्छा रहा. एक्सपीरियंस, इट वॉज रियली एन एक्सपीरियंस. वाटरफॉल्स के पीछे खड़े होके है एक अलग ही, अलग सा एक फील था, है ना? सीक्रेट डोर. हाँ, तो जब भी आप लेक ब्रियंस में बोटिंग करें, इस गिजल वॉक वाटरफॉल्स को जरूर आप करो. अपने आप में एक एक्सपीरियंस है. तो जगह जगह ऐसे आपको डायरेक्शन, ट्रैकिंग के डायरेक्शन दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ट्रैक करके भी जाना चाह रहे हैं. 350 मीटर्स के बाद एफिल वॉल्ट है. यहाँ पर एक छोटा रेस्टोरेंट भी है, छोटा रेस्टोरेंट है ये. यहाँ पर आप बैठ के नज़ारों के साथ आप कॉफ़ी पी सकते हैं. अर्चित लाइन में लग गया, उसको भी एक कॉफ़ी पीना है. इतना ठंड है कि अर्चित को भी एक कैपेचिनो चाहिए. हाँ, और ये हमने एक क्या है, चिकन है ना, फिश है. और यहाँ पर आप देखो नीचे लेक ब्रियंस. जगह जगह आपको यहाँ पर स्प्रिंग वाटर. दिस इज यूरोप्स ओल्डेस्ट फनिकुलर, माउंटेन फनिकुलर ट्रेन, 1879. सबका देखो पूरा एकदम ग्रीन वाटर है इसका. वहां पर भी एक वाटरफॉल है. इट्स वेरी ओल्ड वुडन ब्रिज. हाँ, ये जस्ट लुक एट द next stop is the vault.
के लिए आते हैं। ये मैप है, मैप को अगर हम देखें, हम लोग ग्रेन से स्टार्ट किए थे और गिसलबैक वाटरफॉल्स यहाँ पर हम लोग गए, इसल वॉल्ट आ गए, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? नेडेरेड से रिगनबर्ग से बॉनिगन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये हमारा पूरा रहेगा। हाँ जी, कैसे लग रहा है आपको? आप मेरे गाल पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कुछ एक्सपर्ट कमेंट। कुछ लोग यहाँ पर काइकिंग कर रहे हैं। हाँ अंदर चले। काफी कोल्ड है। ये इंटरलेकिन जंक्शन है। उस दिन हम लोग जब आए थे तो सैटरडे को यहाँ पर पूरा मार्केट लगा हुआ था, आज नहीं है। तो हम लोग सीधे जाएंगे और कुछ पहले लंच करेंगे, उसके बाद घूमेंगे। चलो, ये इंटरलाकन है, छोटा सा टाउन, और इंडियंस में काफ़ी पॉपुलर है इंटरलाकन। हम लोग देख रहे कुछ खाने के लिए कहीं मिल जाए। यह इंटरलेकन का पूरा स्ट्रीट है, यहाँ पर काफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स है, और इंडियंस भी है काफ़ी यहाँ पर, और ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रहा है। सो इंटरलेकन इज़ अ हब फॉर एडवेंचर करना जो पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है, राइट फ्रॉम पैराग्लाइडिंग टू काइकिंग, बोटिंग।
काफी सारे सोवेनियर शॉप्स भी है यहाँ पर। आज संडे को कुछ इनका लोकल मार्केट लगा है और अभी हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकेन यानी हमारे यश चोपड़ा जी। इन्होंने स्विट्जरलैंड में टूरिज्म को इतना पॉपुलर किया है कि इनको यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वाओ, जो भी आते हैं इंडियंस एक बार जरूर दर्शन करके जाते हैं। इन्होंने स्विट्जरलैंड को इंडियंस में बहुत पॉपुलर बनाया है। बहुत ही सीनिक लोकेशन है। यही है द एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकेन। अभी कुछ फंक्शन हुआ था लग रहा है, स्विस इकोनॉमिक फोरम लिखा हुआ है और जगह काफी खूबसूरत है। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था संभव का, और अर्चित को जेली खाने का मन कर रहा था, है ना अर्चित? चलो अभी हम लोग को ट्रेन कैच करना है 6:10 पे। अभी एक यहाँ का एक लोकल शॉप से एक हैट लिया, आई मीन टू से कैप लिया सॉरी। अब गेस करो कितने का होगा? 500, 1000, 1500, 200 रुपीज में बताइए। और इन्होंने बता दिया भाई साहब। चलो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये इंटरलाकेन का यूथ हॉस्टल है, और ऐसे नहीं कि केवल सिंगल रूम्स ही है, यहाँ पर फैमिली रूम्स भी है। तो फैमिली रूम्स भी है यहाँ पर, आप लोग बुक कर सकते हैं, बट आपको काफ़ी पहले बुक करना होगा क्योंकि बहुत जल्दी सीज़न में तो बहुत जल्दी सेल आउट हो जाता है। तो हम लोग की ट्रेन 6:00 में है। तो हम लोग अभी बैक जा रहे हैं लूजर, और मेरा चार्जर का 1% फोन का 1% बैटरी रह गया है। और मेरा ये क्या मिला?
अच्छा किंडर जॉय से गुड। ये एक लेक ब्रियंस जहाँ पर आज हमने बोटिंग किया। आज हम लोग का लास्ट डे है स्विट्जरलैंड में। कल हम लोग ने लंच के लिए निकले। कल है आज कल सुबह रहेंगे तो कल मिलान के लिए निकलेंगे। आज रात को सब ट्रेन वगैरह सब देखना पड़ेगा कैसे जाना है। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। ट्रेन में दो दो चार घंटे निकल गए और बाकी टाइम हमने क्रूज किया और इंटरलेक्शन टाउन भी बहुत एक्सप्लोर किया।